यूट्रस की क्लीनिंग और जल्दी प्रेग्नेंट हो जाना, इसका क्या संबंध है? कई बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी तो डॉक्टर ने डीएनसी की सलाह दी और उसके बाद डीएनसी कराने के बाद मेडिकेशन चला, कुछ सप्लीमेंट्स ली और बहुत सरलता से प्रेगनेंसी हो गई। ऐसी एक अमेजिंग टिप आज है मेरे पास, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेट है, एक फॉर्मूला है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यूट्रस क्लीनिंग होगी और प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। तो आइए आज के सेटअप फॉर्मूला को हम समझते हैं कि किस तरीके से वो यूट्रस को क्लीन करने, यूट्रस को नरिश करने और यूट्रस को प्रिपेयर करने में आपकी मदद करने वाले हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है। क्लिनिकल स्टडीज में पाया गया कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि यूट्रस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यूट्रस की मसल्स को टोन करते हैं, प्लस उसमें इतना न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि यूट्रस को ठीक करने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, फाइबर, गुड फैट और मिनरल्स एंड विटामिंस। ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और ये यूट्रस को परफेक्ट रखते हैं। तो ऐसे में इन रेमेडीज को जब आप फॉलो करेंगे, और अच्छी बात यह है और खास बात भी कि इन सारे रेमेडीज को आपको एक साथ में फॉलो करना है अगर आपको यूट्रस इश्यूज है तो, या फिर अगर आप IVF के लिए जा रहे हैं तो आप उससे पहले खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करें, तो इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारे टिप्स बहुत ही फायदेमंद है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके खान पान का हिस्सा है, खाने की चीजों से साइड इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। इनको आप पीरियड के पहले दिन से शुरू कर सकते हैं, पॉइंट नंबर वन था। अब हम रेमेडीज को समझ लेते हैं कि जब भी दिन में वक्त मिले या फिर अगर सुबह खाली पेट एक कप, एक ग्लास गुनगुना पानी ले लीजिए और एक चम्मच फ्लैक्स सीड अलसी का पाउडर। अलसी का पाउडर आप 7 डेज के लिए ही बनाकर रखें, अदरवाइज वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो उसको गुनगुने पानी में ऐड करना है और उसको पी लेना है। फ्लैक्स सीड फाइबर, ओमेगा 3 यानी गुड फैट रिच होता है, तो वो यूट्रस के लिए बहुत हेल्दी है। ये तो आपने मॉर्निंग में की। इसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट में जो सिंघाड़े का आटा होता है, जो पानी में सिंघाड़े गुते हैं जिनको बॉयल करके रॉ भी पील ऑफ करके खाया जाता है, उसका ड्राइड फॉर्म में आटा भी आता है और वो यूट्रस के लिए अमेजिंग फार्मूला होता है, अमेजिंग फूड होता है, क्योंकि इसमें मिनरल, विटामिन, फाइबर तीनों चीजें बहुत प्रचुर होती हैं। तो सिंघाड़े के आटे को कई तरह से आप यूज कर सकते हैं, सूप बनाकर, मीठा मीठा हलवा बनाकर जो थोड़ा सूपी हो, इसके अलावा वेजिटेबल्स को बारीक ग्रेट करके और सिंघाड़े का आटा ऐड करके पराठे, पूरी, जो भी आप चाहें उसको बना सकते हैं। तो सिंघाड़े का आटा आपके हर दिन के डाइट में एक बार जरूर शामिल होना चाहिए, यह आपके यूट्रस को नरिश करने के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। इसके बाद चाहे शाम का समय हो, चाहे डिनर का टाइम हो, या फिर लंच में भी, या कभी भी छोटी मोटी भूख लगने पर बीट रूट और टोमेटो का आप सूप बना सकते हैं। बीट रूट और टोमेटो कैसे अमेजिंग है, बीट रूट में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं और बीट रूट, अनार जैसी चीज़ें यूट्रस की तरफ यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं, यानी कि उनकी फंक्शंस को इम्प्रूव करती हैं। तो बीट रूट आपको लेना बहुत जरूरी है। टोमेटो में लाइकोपिन होता है और ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अमेजिंग है, इस पर बहुत सारे स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं और हाल में भी बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं। तो टोमेटो का लाइकोपिन तब बढ़ जाता है जब हम उसको कुक कर देते हैं, इसलिए ये ना पूछे कमेंट सेक्शन में कि क्या हम इसको रॉ खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा चाहिए, ज़्यादा अच्छे से फायदा लेना चाहते हैं तो उसको कुक करके खाएं। चौथी अमेजिंग रेमेडी है चाय, जो कि सभी पसंद करते हैं, सभी को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी चाय? लेकिन यूट्रस को क्लीन करना है तो आपके रसोई में दो चीज़ें हमेशा अवेलेबल होती हैं, एक तो है अजवाइन और दूसरा है जिंजर। तो अजवाइन और जिंजर का टी आपके डाइजेशन को भी हील करता है और कई स्टडीज़ में ये देखा गया कि अजवाइन डाइजेशन को बहुत अच्छा रखती है। और जिंजर के लिए सजेस्ट किया है स्टडीज़ में कि शॉर्ट टर्म में और लो डोजेज में जिंजर फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, एग प्रोडक्शन में, ओविलेशन में हेल्प करता है। तो ऐसे में जिंजर और अजवाइन, अदरक और अजवाइन की चाय अगर आप लेती, मात्रा बहुत कम रखें, क्योंकि अगर आप इसे नियमित ले रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको थोड़ी रखनी चाहिए। इसमें आप हनी, लेमन वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये यूट्रस के लिए बहुत अच्छी टी है, ये यूट्रस को बहुत नरिश करता है, क्योंकि आप इसमें लेमन जूस डालते हैं, वो विटामिन सी रिच होता है और ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। यूट्रस को स्वस्थ रखने में, इन्फेक्शन से बचाने में ये बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद बात आती है अजवाइन की। कई लोगों को यूट्रस में इन्फेक्शन होता है और अक्सर इन्फेक्शन साइलेंट होते हैं, इनके सिम्टम बहुत समय तक या बहुत लोगों को अपीयर ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में अजवाइन, जो कि एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, अजवाइन की धुनी लेना बहुत उपयोगी है। ट्रेडिशनल तरीके से अजवाइन बहुत फायदा देती है और ट्रेडिशनल मेडिसिन में अजवाइन के बहुत सारे यूजेस बताए गए हैं। अजवाइन धुनी लें। अजवाइन धुनी लेनी कैसे, इसमें मेरा अलग से वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, इन पांचों चीजों को आपको करना है। अजवाइन धुनी हफ्ते में एक बार लेनी है, चाय और डाइट टिप्स आप डेली फॉलो कर सकते हैं। कम से कम आप
20 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड्स स्टार्ट करना है, 20 डेज तक फॉलो करना, रिजल्ट्स आपके हाथों में होगा। वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी अमेजिंग डाइट टिप्स आप सभी के लिए यूट्यूब सहेली चैनल पर है। बाय बाय।